What's up? Welcome back to my channel, साक्षी रजत. मैं हूँ साक्षी और ये है मेरी मॉमी. वेलकम मॉमी टू माई चैनल. पहले मॉमी आ चुकी है पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए. हम लोग आगरा में हैं और मैं अपने मम्मी पापा के घर में हूँ. और मैंने सोचा ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है और मैंने सोचा कि ये वीडियो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी डिशेज जो आप देख रहे हैं रोज तो नहीं दिखाई देती ऐसे सर्व करना प्लेटर, जिसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ मम्मी ने बनाया है. तो वेलकम मम्मी. थैंक यू बेटा. ये आई एम एक्साइटेड. तो मम्मी पहले एक बात ये बताओ सब लोगों को कि आपने इतनी सारी चीजें, तो मैं गिन सकती हूँ, ये 10 चीजें हैं. हम लोग कल आ गए थे तो 3-4 चीजें हमने कल खत्म कर दी, पर ये 10 चीजें हैं. तो मैंने सोचा इन्हीं का वीडियो बना लेती हूँ. तो अभी बताओ आपने इतनी सारी चीजें बनाई क्यों है? क्योंकि मेरे बच्चे काफी समय बाद आ रहे थे और मेरा दामाद काफी टाइम बाद आया है. जब बच्चे आते हैं तो मुझे दिवाली जैसा फील होता है. दिवाली और होली जैसा नहीं होता है? नहीं, दिवाली पे इतने आइटम बनते हैं ना, होली पे तो सिर्फ भुजिया बनती है. हाँ, ये बात तो सही है. ओके, तो दिवाली है, आपके दामाद आए हैं और आपके बच्चे आए हैं. देख रहे हैं इतनी इम्पोर्टेंस ना अपने घर में मिल सकती है और तो कहीं नहीं मिलती. तो चलिए मम्मी, मैं चाहती हूँ कि हम सबको बताएं कि आपने हमारे लिए क्या क्या बनाया. मैंने तो सब देख लिया और सब चख भी लिया है, फिर भी मैं दोबारा कैमरे पे जरूर टेस्ट करके बताऊंगी ये सब क्या है और कैसा बनाया. तो शुरू करते हैं मीठे से, जो मेरा फेवरेट है. मम्मी बताओ मेरा फेवरेट कौन सा है इसमें? बेसन के लड्डू. हाँ, तो ये है बेसन के लड्डू. सुपर टेस्टी, सुपर यम. मुझे पता है मेरी बेटी को बहुत पसंद है. आई थिंक मम्मी आपके हाथ के बेसन के लड्डू ना सबको बहुत पसंद है. मेरी एक फ्रेंड है, उसने आपके हाथ के बेसन के लड्डू खाए थे. उसने मुझे बोला आप घर जा रहे हो, आप मेरे लिए लेके आना मम्मी के हाथ के बेसन के लड्डू. अच्छा, तो बेसन के लड्डू माय मम्मी रॉक्स. मम्मी खाया ज्यादा? आप खाओ बेटा. ठीक है. मेरा बेसन का लड्डू बचपन की इतनी सारी मेमोरीज और जो बेसन का लड्डू ना, तो मेरी नानी बिल्कुल ऐसा बेसन का लड्डू बनाती है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा है. मम्मी आप कह रहे हो तो बात मतलब नानी अब उतना कुक नहीं करती, पर जब करती थी तब बिल्कुल ऐसे ही बेसन के लड्डू का स्वाद आता था. और आगरा मेरा ननिहाल भी है, तो आगरा और बेसन के लड्डू यूज टू गो हैंड इन हैंड. सुपर गुड, मजा आ गया. उसके बाद मम्मी हम कुछ नमकीन ट्राई करते हैं. मेथी की मठरी. मेथी की मठरी, मेथी मठरी, ये तो मम्मी आप याद खाओ. इसमें मम्मी मेथी के पत्ते डालते हैं या वो कसूरी मेथी जो आती है वो डालते हैं? दोनों डाल सकते हैं. तो आपने क्या डाला? मैंने तो घर पे ही मेथी को सुखा लिया. एकदम बचपन क्या बनाती है. ये बताओ आपने रजत के लिए क्या बनाया? रजत के लिए मैंने रजत की फेवरेट नारियल की मिठाई. ये वाली रजत को, हाँ रजत को ये बहुत पसंद है. मुझे कभी इतनी अच्छी नहीं बनती यार. मैं ट्राई करती हूँ मैकलोर में बनाने का, पर कुछ कुछ गड़बड़ जाती है. इसमें बनाने में कुछ नहीं है, सिंपल है. हाँ सिंपल है, पर मेरी ऐसी क्यों नहीं बनती? ये चाशनी, आप दो तार की चाशनी लो, ऐसे करके देखते हैं हम लोग, तो दो तार बननी चाहिए. या फिर आप कोई प्लेट में एक ड्रॉप डाल के देखो तो वो थोड़ा जमने लगना है. ठीक है, तो उससे तब उसके बाद आप फिर नारियल को डालो. मेरी चाशनी में गड़बड़ हो जाती है. अब क्या मम्मी, अब बताओ आपका हाईलाइट क्या है इसमें? पे नान खपाई, ये मैं बहुत खा चुकी हूँ और ये मीठी है तो मैं अभी नहीं खा रही हूँ. बट आई हैव हैड दिस एंड इट्स वेरी वेरी नाइस. देखने में भी कितनी सुंदर है यार, मार्केट की तो क्या ही होगी इसके काम में. गुड जॉब मम्मी, आ गया आपको खाना बनाना. नानी विल बी सो प्राउड. नानी देखेंगी तो खुश होंगी कि हाँ मेरी बेटी इतना सब कुछ बना लेती है. ऐसा आप मेरी कुकिंग देख के आती हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे भी प्राउड फील होता है ना. मैंने कभी किचन में काम नहीं किया, मतलब जब तक पढ़ रही थी तब तो बिल्कुल भी नहीं किया. आई थिंक सभी बच्चे जब तक पढ़ रहे हो तब तक किचन में काम नहीं करते, पर ये लॉकडाउन ने इतना कुछ सिखा दिया है. सब कुछ सिखा दिया. आप कब से बना रही हो मम्मी इतनी सारी चीजें? बनाने में कितना टाइम लग गया इसको?
उसको करीब 10 days लग गए। 10 days में बनाया है? Oh my God! 10 से 15 days, 10 से 15 days। तो थोड़ा थोड़ा रोज बना रही थी, थोड़ा थोड़ा रोज बना रही थी। इसके बाद क्या ट्राई करें मम्मी, और क्या है? मटरी, नमक वाली मटरी, साक्षी की फेवरेट। हाँ, अचार के साथ। हाँ, और दही पापड़ी के साथ। हाँ, दही पापड़ी जैसे वो दही भल्ले वाली रेसिपी बनाई थी। दही सौंठ की जो पापड़ी होती है वो साक्षी को बहुत पसंद है। ये सब बनाने का ना खुद से मन नहीं करता, ये सब आप ही लोगों के हाथ से अच्छा लगता है। कुछ नहीं है लेकिन बनाने में उसको ओके मैं देती हूँ वापस क्योंकि सारा नहीं खा पाऊंगी। ओके तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 चीजें ट्राई कर ली थी हमने। और ये है आटे के लड्डू, ये ना मेरा सेकंड फेवरेट है। फर्स्ट फेवरेट तो मेरे हमेशा बेसन के रहेंगे, ये मेरे सेकंड फेवरेट है। लव आटे के लड्डू, लव। ये है ड्राई फ्रूट लड्डू, इसमें ड्राई फ्रूट भी डाले और इसमें गोंद भी पड़ता है। हाँ, इसमें गोंद, मखाने और आपका काजू बादाम, इलायची वगैरह सब डाल रहे। सुंदर लग रहा है यार। उसके बाद है मेरे फेवरेट नमक पारे। इस बार मैंने आटे के नमक पारे बनाए। मैंने कहा आप लोग मैदा कम प्रेफर करते हो तो मैंने कहा आटे की चीजें ज्यादा बनाती हूँ। पर मैदा जैसे ही टेस्ट है और काफी अच्छा टेस्ट है यार इसका, सो गुड, मजा आ गया यार। मैंने इसमें पता है अजवाइन की जगह जीरा डाला है। ओ, ये जीरा फ्लेवर की है। अजवाइन फ्लेवर अलग होता है जीरा फ्लेवर? हाँ। तो मुझे पता ही नहीं। तो हो गया, मटरी में अजवाइन डाली है और इसमें जीरा डाला है। ये क्या है? ये आटे के बिस्किट है। आटे के बिस्किट भी होते हैं? ड्राई फ्रूट बिस्किट है ये। तो आप इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आपने कैसे बनाया? मैंने वैसे दोनों तरह से बनाए हैं, पर ये वाले ये डीप फ्राई। बहुत अच्छे कुक हुआ यार, क्रिस्पी है। चांदी हो गई मेरी उस बार। ओके, ये वाले नमकीन। हाँ, ये नमकीन, ये वाले नमकीन, ये नमकीन सबको बहुत पसंद आती है। और ये मैं अभी ये अक्सर बना के रखती हूँ अपने घर में ना, पापा बहुत पसंद करते हैं। हाँ। और ये हेल्दी भी होती है ना? हेल्दी होती है, इसमें तेल लगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। सब ड्राई रोस्टेड है। सब ड्राई रोस्टेड है। सब खा लिया हमने? कुछ बचा है? ये वाली नहीं खाई? हाँ, ये तिल की बर्फी, ये भी आटे की बनाई है। ये भी आटे की है? आटे की है। ये भी बहुत हेल्दी है। हाँ, इसमें हल्का सा नमक और बाकी चीनी पाउडर डाल के उसको बनाया। चीनी को पीस के, चीनी को पीस के। सो गुड। ओके, तो आई थिंक हमने सब कुछ कैमरे पे भी चख लिया है, चख तो मैं सब चुकी हूँ फिर कई बार। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेरे पास खाने के लिए, यहाँ तो मैं खाती ही रहूंगी और सारी चीजें मैं बैंगलोर भी लेके जाऊंगी पैक करके। उसको और सब मेरे लिए ही है, मतलब थोड़ा रजत को और स्तुति को भी दे ही दूंगी, बट उन्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं तो सब मेरे लिए बनाया। चिड़ेंगे वो दोनों ये वीडियो देख के। मम्मी ये नान की चाय बहुत टेम्पटिंग है, बताओ ना इसमें आपने मतलब कितना टाइम लगा? एक तो मेहनत वाला है तो नहीं, मेहनत वाला मेहनत से नहीं होती। नहीं बेटा, मेहनत कुछ भी नहीं है, ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें मैंने बेसन, मैदा, सूजी और घी और पिसी हुई चीनी और इलायची, कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, उससे ये बन गया है। माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव में मैंने इसको बना लिया। गाइस, अगर आपको इनमें से कोई भी रेसिपी चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में बता दो। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर एनी ऑफ दीज रेसिपीज, क्योंकि ये सब तो प्यार से बनाया तो सब कुछ बहुत टेस्टी है। बट यू कैन ऑल्सो ट्राई मेकिंग दिस एट होम, अपने घर पर बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। और इतने दिनों बाद सब लोग मिल रहे हैं, लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है तो बहुत एक्साइटमेंट लेवल्स कुछ ज्यादा ही है। हमारी फैमिली तो हाइपर एक्साइटेड रहती है। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, कल वाला वीडियो देखिए। हाइपर एक्साइटेड तरीके से हम लोग मिलते हैं और एकदम क्रेजी है हम सबके साथ। बट एनीवेज, तो ये है सारा खाना। मेरे को लगा कि इतनी सारी चीजें मम्मी ने बनाई है तो वीडियो तो बनता ही है ना। और यही था आज का वीडियो।
तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितने भी दिन मैं आगरा में हूँ एक वीडियो रोज कुछ ना कुछ बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए, अबाउट माई फैमिली, अबाउट माई पेरेंट्स हू लिव इन आगरा। तो मैंने सोचा ऐसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े वीडियोज, थोड़े थोड़े स्निपेट्स आप लोगों को दिखाती रहूँ, और देखते हैं कल कौन सा इंटरेस्टिंग वीडियो आता है। तो यही था आज का वीडियो, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो। ये मेरी मम्मी की मेहनत और ये वीडियो का अटेम्प्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए अगर आप आगरा ट्रिप से रिलेटेड सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाले हैं। ठीक है मम्मी, मम्मी इज़ अ स्पोर्ट। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियोज़ बनाएंगे और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में प्रॉबेबली कल। तो तब तक के लिए बाय 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 बाय।